देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिन्हा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। या अली या हुसैन के नारों से गूंज उठा गिरिडीह। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर शहर से लेकर गांव तक निकाला गया अखाड़ा, खेला गया नुमाइशी खेल। जोशो खरोश के साथ मुस्लिम समुदाय ने किया करबला के शहीदों को याद, निकाली गई ताजिया। कर्मा पर दिखा झारखंडी संस्कृति का विहंगम स्वरूप। भाइयों की सलामती की दुआओं के साथ बहनों ने की कर्मडार की पूजा। नृत्य और गीतों से माहौल रहा खुशगवार। और खाटू वाले श्याम प्रभु के वार्षिक महोत्सव को लेकर कुटिया मंदिर में माहौल हो उठा है भक्ति और आस्था से तरबतर। महोत्सव के दूसरे दिन चढ़ाया गया 125 और 56 भोग। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्याम प्रभु को किया नमन। अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम की 9वीं की रात और 10वीं की सुबह गिरिडीह के विभिन्न मोहल्लों में ताजिया निकाली गई। इस दौरान लोगों का हुजूम साथ साथ चलता रहा, वहीं या हुसैन के नारे लगते रहे। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना है और इस महीने की बेशुमार फजीलतें हैं। इस महीने में सैकड़ों इस्लामी वाकयात पेश आ चुके हैं और मज़हब इस्लाम के मुताबिक मुहर्रम के 10वीं तारीख दिन शुक्रवार को क़यामत पेश आएगी। 1400 साल कबल इराक के सरजमीन करबला में ऐसा ही क़यामत नुमा मंज़र पेश आई थी। यहाँ ज़ालिम यजीद ने इमाम हुसैन के लश्कर पर नहर फुरात के पानी पर पाबंदी लगा दी थी। 6 माह के प्यासे बच्चे पर भी हलक में तीर से छलनी किया गया। 71 हुसैनी लश्कर को कत्ल के बाद इमाम हुसैन को 10वीं मुहर्रम को असर की नमाज के दौरान सजदे की हालत में बुजदिलाना हमला कर शहीद कर दिए गए। इसी गमनाक और दर्दनाक मंजर की याद में आशिकान हुसैन अपने अपने अकीदे के मुताबिक अदब व एहतराम से याद करते हैं। इसी के तहत शिया और कुछ सुन्नी में ताजियदारी का रिवाज है। मुहर्रम के 10वीं तारीख बुधवार की सुबह को गिरिडीह के विभिन्न मोहल्लों में ताजिया निकाली गई। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में विगत कई वर्षों से स्थानीय लोग ताजियादारी करते आ रहे हैं। मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही यहाँ के कई लोग ताजिया की तामीर में लग जाते हैं। 10वीं तारीख की सुबह मोहनपुर मोहल्ले में भी ताजिया निकाली गई, जिसे सभी इमामबाड़ों में काफ़ी अकीदत व एहतराम से घुमाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और ताजिया के पीछे पीछे या हुसैन और या अली का नारा बुलंद किए, जिसे समस्त इलाका इमाम हुसैन के नाम से गूंज उठा। मौके पर बच्चों और बुजुर्गों का उत्साह भी अपने चरम पर था। Yeah.
इसी तरह जमुआ अंतर्गत रेंबा जरीडीह में मुहर्रम की नौवीं तारीख यानी मंगलवार की रात को ताजिया निकाली गई, जिसे स्थानीय बुढ़वा दरगाह में बिठाया गया। इस दौरान लोगों ने नियाज फातिहा कर अमन और शांति की दुआएं मांगी। यहां मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने में जरीडीह के सदर शब्बीर सलीम, नायब सदर निज़ाम सलामी, सेक्रेटरी फरीद अंसारी, खजांची बशारत अंसारी, पूर्व मुखिया अब्दुल रज्जाक पारसी, मुजाबर अब्दुल गनी सलीमी और सलाउद्दीन ने अहम भूमिका निभाई। इधर कुसैया में भी मुहर्रम की नौवीं तारीख की रात ताजिया निकाली गई, जिसे खानकाह सलीमिया के इमामबाड़ा पर बिठाया गया। इस दौरान नियाज फातिहा की गई। यहाँ भी मुहर्रम शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया गया, जिसमें स्थानीय सूफी मोहम्मद यहिया सलीमी, सूफी मोहम्मद इफ्तखारुल हक, शिव कुमार सिंह, मोहम्मद कुर्बान सलीमी, मोहम्मद रहमान सलीमी, मोहम्मद मुख्तार सलीमी सहित गांव चिश्तिया कुसैया के बाहर से आए लोगों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। हुसैन के खातिर, हुसैन के खातिर, दम दमा दम दम हुसैन, दम दमा दम दम हुसैन, जय हुसैन, जय हुसैन, जय हसन, जय हसन, साथ दे हुसैनियों। हुसैन से मुराद ले हुसैनियों। हुसैन वाला एक है तो लश्करों से कम नहीं, हुसैन को भी अपनी मां। या अली या हुसैन के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही जोश और खरोश के साथ अखाड़ा निकाला और नुमाइश की खेल का प्रदर्शन किया। मुहर्रम के 10वीं तारीख पर मंगलवार की सुबह शहर से लेकर गांव डंकों की आवाज़ से गूंज उठा। पौ फटने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग डंकों की आवाज़ के बीच लाठियां भांजते दिखे। अहले सुबह 3 बजे युवाओं की टोली अपने अपने मोहल्ले में जुटी और मुहर्रम के खेल की नुमाइश शुरू किया। नारा-ए तकबीर और अल्लाहु अकबर के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ अपने खेलों का प्रदर्शन किया। त्यौहार को लेकर बज रहे मुहर्रम के प्रसिद्ध गाने व कव्वाली भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहा था। इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों में कई मुस्लिम कमेटियों द्वारा तैयार किए गए मंच के सामने विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के द्वारा खेल की नुमाइश की गई। सबसे अधिक रोमांचित खेल शहर के मौलाना आजाद चौक में दिखा, जहाँ गिरिडीह एकता मंच की ओर से भव्य पंडाल तैयार किया गया था। खिलाड़ियों की भीड़ लाठियां भांजने के साथ ही पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाते नजर आए। कई बार खिलाड़ी बीच बीच में राष्ट्रीय ध्वज लिए अपने अपने देशभक्ति भी दिखाते दिखे। कमोवेश खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान मौलाना आजाद चौक में ही सदर SDPO जितवाहन उराव और माले नेता राजेश सिन्हा को हरी पगड़ी पहनाकर जहां एकता मंच के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया, वहीं मौके पर SDPO उराव और राजेश सिन्हा भी आपस में लाठियां भांजकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। मौके पर इरशाद अहमद वारिस, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, मोहम्मद नवाब, त्रिभुवन दयाल आदि मौजूद थे। Thank you.
Oh!
इधर शहर के भंडारीडीह चौक के साथ वन विभाग कार्यालय के समीप बरवाडीह करबला मैदान के समीप पचम्बा और बिशुनपुर में भी कई मुस्लिम कमेटियों द्वारा मंच तैयार किया गया था, जहां एक साथ दर्जन भर मोहल्ले के अखाड़ा जुटे और खिलाड़ियों ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। मंच पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह के अखाड़े के मद्देनजर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ QRT जिला पुलिस बल के साथ IRB के जवान तैनात थे। इसी तरह पचम्बा में भी खूब उत्साह के साथ जुलूस निकाला गया और नुमाइशी नखड़ा खेल का प्रदर्शन किया गया। मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गढ़वाल पहुंचे और गढ़वाल Gracias.
झारखंडी परंपरा का बेहद महत्वपूर्ण त्योहार कर्मा मंगलवार को खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अपने अपने भाइयों के सुख स्मृति की कामना के साथ बहनों ने पूजा अर्चना की। मौके पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी बहाल रही। झारखंडी परंपरा का विहंगम स्वरूप मंगलवार को गिरिडीह में देखने को मिला। स्थानीय लोक गीतों के साथ सोमवार को जिले भर में कर्मा पर्व खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोक गीत और नृत्य पर गिरिडीह वासी झूम रहे थे। ढोल मांदर बजाते हुए महिलाएं और युवतियां नृत्य कर रहे थे। चारों ओर उल्लास का माहौल था। बताया गया कि अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ यह पर्व मनाया जाता है। इसको लेकर लोग जंगल से कर्मा डाल लाकर स्थापित करते हैं और विधि विधान के साथ उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में इस बार भी घर घर में कर्मा डाल की पूजा की गई। कुंवारी लड़कियों ने उपवास रखा। मौके पर जावा उठाया गया और जागरण भी किया गया। रात भर पारंपरिक गीत व नृत्य जारी रहा। Yeah.
आज हम लोग कर्मा पूजा किए हैं जो कि भाई के लिए होता है। ये पर्व हम लोग हर साल मनाते हैं। हम लोग धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम लोग जितनी भी बहन लोग हैं हम लोग सब आते हैं यहाँ पे। फिर जितने भी इसके विधि विधान हैं हम लोग उसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं। फिर पूजा में हम लोग सब जन अच्छे से करते हैं। उसके बाद सब जन हम लोग डांस वांस होता है। फिर उसके बाद सुबह इसको विसर्जित कर दिया जाता है जो हमारे भाई के लिए होता है। और इससे हमारा भाई लोग को लंबी उम्र के लिए होता है। चलो बहुत कर्मा पूजा है। हाँ, किस लिए करते हैं? भाई के लिए करते हैं। अच्छा से विधि विधान से करते हैं। हाँ। और क्या बोलते हैं, विसर्जन अच्छे से करते हैं। रात भर लोग नाश्ते करते हैं। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आज कर्मा का त्योहार है। हाँ। और हम लोग साल में एक बार करते हैं, अपना भाई लोग के लिए करते हैं। और 8 दिन जोआ रखते हैं और फिर 9वां दिन में उसको पूजा करते हैं। अपने भाई की लंबी आयु के लिए हम पूजा करते हैं। और फिर 9वां दिन में हम उसको विसर्जन कर देते हैं। आज क्या 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 चीज़ का पूजा कर रहे हैं आप? कौन सा? आज हम लोग कर्मा दाल का पूजा करते हैं। बहुत ही धूमधाम से करते हैं। कर्मा झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और हम लोग अपने भाई के लिए लंबी आयु के लिए करते हैं। और आज पूरा टाइम हम लोग कुछ भी नहीं खाते, सुबह से सहारे रहते भाई के लिए। और रात में पूरा कार्यक्रम होगा, संस्कृति कार्यक्रम, और हम लोग डांस भी करेंगे और रात भर यहीं पे रहेंगे। कर्मा पूजा हम लोग के झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये त्यौहार हर एक बहनों अपने भाइयों के लिए रखती है। और तीज के बालू के जिस दिन विसर्जन होता है उसी दिन जवा का बालू लाती है और दोनों टाइम जवा रखकर अपने आंगन में विधि विधान से सारी सखियां मिलकर जवा का पूजा करती है। 9वां दिन में नहा कर खाती है। 10वां दिन में सुबह से लेकर रात तक फास्टिंग रखती है और शाम को संध्या के पूर्व करम डाड़ को पूजा करती है। और ये पूजा हम लोग के झारखंड वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड क्यों, हम लोग के देश में हर एक संस्कृति में ये त्यौहार मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से ही मनाया जाता है। और रात भर ही लोग एक जगरना के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगी और सुबह फिर इसका सूर्य उदय के समय में फिर इसका विसर्जन होगा। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और जिस तरह हम लोग के झारखंड में संस्कृति लुप्त होती जा रही है, इस तरह का त्यौहार ही हम लोग देश के संस्कृति को बचाए रखा है। और सभी गिरिडीह वासियों को मेरे तरफ से कर्मा के हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद सुबह कर्मा डाल और पूजन सामग्रियों को नदी में विसर्जित किया गया।
भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। इसी कड़ी में घर घर रघुवर अभियान की शुरुआत गिरिडीह में की गई है। मंगलवार को विधायक निर्भय शहबादी ने अपने टीम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। चुनावी आहटों के बीच सत्तारूढ़ दल भाजपा वोटरों के बीच पहुंचकर सरकार के उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दिया है। विश्व चुनाव को लेकर ही प्रदेश भाजपा ने घर घर रघुवर का नारा देकर वोटरों को रिझाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार की शाम स्थानीय विधायक निर्भय शहबादी पार्टी समर्थकों के साथ शहर भ्रमण पर निकले और लोगों को हर हर रघुवर का पंपलेट देकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक शहबादी के साथ भाजपा कार्यकर्ता संजीत सिंह पप्पू, दीपक शर्मा, प्रकाश दास, संदीप शर्मा, अनूप सिन्हा, दीपक स्वर्णकार समेत कई भाजपाई मौजूद थे। रघुवर सरकार के उपलब्धियों का पंपलेट बांटना विधायक शहबादी ने देर शाम मकतपुर रोड से शुरू किया। लोगों से मिलने के साथ विधायक ने राज्य के भाजपा सरकार की जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक से मिलकर स्थानीय लोग ने भी खुशी जाहिर की और भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाओं को लेकर ही सहयोग किया जाएगा। मगतपुर रोड से होते हुए विधायक शहबादी कालीबाड़ी चौक में भी स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके बाद कचहरी रोड के लोगों से मिलते हुए विधायक शहबादी टावर चौक पहुंचे और लोगों से मिलकर उन्हें पंपलेट दिया। टावर चौक के बाद विधायक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर्स लाइन पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों से मिलने के क्रम में विधायक ने रघुवर सरकार के योजनाओं की जानकारी दी। की आवश्यकता है और अब समझते हैं ये चुनाव का जो हमारा मुद्दा है कि हर घर में हमारी जो विकास की गति है पहुंचा भी है और जहां वंचित है वंचित लोगों का भी सूचीबद्ध करना है और साथ में उनके विकास को किस तरह से आगे अमली जामा पहनाया जाए इस बात की तैयारी को लेकर के हम सभी कार्यकर्ता बंधु मिल करके घर घर जाने का काम करेंगे और घर घर रघुवर के नारे के साथ में हम लोगों ने आज इस अभियान की शुरुआत की है। काफी सार्थक अभी हमारा रहा है प्रवास हम लोग करेंगे आगे चल करके सभी मंडलों में सभी बूथ कमेटी के साथ मिल करके घर घर रघुवर का नारा। कुटिया मंदिर में दो दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया है। महोत्सव के दूसरे दिन सवा मणि और 56 भोग श्याम बाबा को लगाया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे। खाटू वाले श्याम बाबा के वार्षिक महोत्सव को लेकर इन दिनों गिरिडीह का माहौल भक्ति और आस्था से तरबतर है। यहाँ के कुटिया मंदिर में दो दिवसीय श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इसी को लेकर महोत्सव के दूसरे दिन कुटिया मंदिर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान संचालित किए गए। बताया गया कि महोत्सव के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद बुधवार को सुबह से ही मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान संचालित किए गए। मौके पर सवा मणि और 56 भोग चढ़ाया गया। Thank you.
कार्यक्रम के दौरान श्याम सेवा मंडल गिरिडीह और कोलकाता से आई टीम के सहयोग से शानदार भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यहां इस कार्यक्रम की सफलता में समिति के विवेश चलान, सतीश केठिया, किशन अग्रवाल, बाके बिहारी शर्मा, मनोज केडिया समेत समिति के अन्य कई लोग लगे हुए थे। मंदिर स्थित रामबाग में मनाया जा रहा है। हम लोग का यह दो दिवसीय कार्यक्रम है। कल हम लोग विशाल शोभा यात्रा निकाले थे जिसमें 71 जोड़े निशान बाबा को अर्पित किए गए थे और कल रात 10 बजे से अखंड ज्योत चालू हुई थी 24 घंटे की। जो ज्योत अभी कंटिन्यूस चालू है, अभी पारस का भंडारा सौमणि का भोग लगाया जा रहा है। शाम को बाबा को 56 भोग लगाया जाएगा 56 व्यक्तियों के द्वारा और भव्य श्रृंगार किया गया है। कलकत्ता, राजस्थान, धनबाद और रांची से कलाकार आए हैं और भजन के अनुरूप ऐसा करेंगे। विश्वकर्मा लोहार समाज की एक बैठक बुधवार को गुलाके रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के सबसे पौराणिक विश्वकर्मा मंदिर के मरम्मत का निर्णय लिया गया। वहीं समाज के अन्य कई मुद्दों पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। विश्वकर्मा लोहार समाज की एक बैठक मंगलवार को बुलाकी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता गौतम लाल विश्वकर्मा कर रहे थे। इस दौरान शशांक बेड़ा में जीर्ण शीर्ण हो चुके पौराणिक विश्वकर्मा मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। बताया गया कि पौराणिक विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना दानवीर स्वर्गीय वीठालाल विश्वकर्मा के द्वारा की गई थी। बताया कि सर्वप्रथम मंदिर के निचले तल्ले का जीर्णोद्धार किया जाएगा और कर विधि विधान के साथ प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस बैठक में मुख्य रूप से संदीप शर्मा, कन्हैया विश्वकर्मा, मदनलाल विश्वकर्मा, दशरथ विश्वकर्मा, गौरव विश्वकर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, अभिजीत शर्मा, आलोक कुमार, किशोर विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देख रहे हैं श्री वृंदा प्रसाद द्वारा 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि अब समय बीतता गया, इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत बिल्डिंग बहुत झरझर हो गया था। आज ये पूजन यहाँ रखा इसलिए गया है कि आज हम लोग विश्वकर्मा जी का विसर्जन का पूजा कर रहे हैं। यहाँ विश्वकर्मा भगवान और शंकर भगवान का शिवलिंग है, इनके विसर्जन का पूजा आज करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन यानी कल हम लोग पुनः एक नया जो तत्कालिक रूम बनाया गया है वहाँ पर इनको स्थापित करेंगे और उसके बाद फिर से ये काम बढ़ेगा, जिसमें यह पूरा बिल्डिंग जो दिख रहा है इसको तोड़ा जाएगा और फिर से पुनर्निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा आगे के समय में की जाएगी। ये प्रथम चरण का काम था जिसको हम लोगों ने आज पूरा किया है। झारखंडी परंपरा का बेहद महत्वपूर्ण त्योहार कर्मा मंगलवार को खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अपने अपने भाइयों के सुख समृद्धि की कामना के साथ बहनों ने पूजा अर्चना की।
मौके पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी बहाल रही। या अली या हुसैन के नारों से गूंज उठा गिरिडीह। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर शहर से लेकर गांव तक निकाला गया अखाड़ा, खेला गया नुमाइशी खेल। जोशो खरोश के साथ मुस्लिम समुदाय ने किया करबला के शहीदों को याद, निकाली गई ताजिया। कर्मा पर दिखा झारखंडी संस्कृति का विहंगम स्वरूप। भाइयों की सलामती की दुआओं के साथ बहनों ने की करमडार की पूजा। नृत्य और गीतों से माहौल रहा खुशगवार। और खाटू वाले श्याम प्रभु के वार्षिक महोत्सव को लेकर कुटिया मंदिर में माहौल हो उठा है भक्ति और आस्था से तरबतर। महोत्सव के दूसरे दिन चढ़ाया गया 125 और 56 भोग। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्याम प्रभु को किया नमन। ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।